हेलो दोस्तों, मैं हूं जहरुल, आपका दोस्त एंड होस्ट, और आप देख रहे हैं टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड में नौकरी करना चाहते हैं, जो नेवी की तरह ही होता है, एक अलग से डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर आकर आप नौकरी करना चाहते हैं तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड तो एप्लीकेशन चालू हो गया और उसका जो 2019 का जो बैच है उसका एंट्री का जो फॉर्म है वो भी चालू हो गया, फॉर्म फिलअप ऑनलाइन चल रहे हैं। तो उसका जो एडुकेशनल क्वालिफिकेशन है आप यहाँ पर देख सकते हैं, 10th class with 50% मार्क्स, मतलब 10th class में आपको कितना चाहिए, 50% मार्क्स चाहिए, और 5% का रिलैक्सेशन है SC और ST के लिए, 5% कम होगा तो भी चलेगा, ठीक है। और जॉब की जो रिक्वायरमेंट है 2 categories में है, एक है कुक, दूसरा है स्टीवर्ड। कुक का तो आपको पता ही है क्योंकि कुक का काम क्या होता है, और स्टीवर्ड का काम हाउसकीपिंग की तरह होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दे वुड बी रिक्वायर्ड टू सर्व फूड इन द ऑफिसेस, मेसेस एज वेटर्स एंड हाउसकीपिंग मेंटेनेंस वगैरह जो भी होता है। तो यहाँ पर आपको जो आपका जो एज होना चाहिए 18 से 22 तक होना चाहिए। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 1 अप्रैल 2019 से 1 अप्रैल 1997 1 अप्रैल 2019 के मुताबिक 18 से 22 होना चाहिए, ठीक है। और बॉन्ड बिटवीन 1 अप्रैल 1997 टू 31 मार्च 2001, इसके अंदर आपका डेट ऑफ बर्थ आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, और अपर एज रिलैक्सेशन 5 years है ST और ST के लिए, 3 years है OBC के लिए, ठीक है। और जो नौकरी का जो बेसिक सैलरी है, मतलब जो बेसिक पे हम कहते हैं, वो 21,700 आपको मिलेगा पे 3 के हिसाब से, ठीक है। और प्रमोशन के लिए अगर आपको आपका प्रमोशन हो जाता है तो वहाँ पर आपका सैलरी हो जाएगा 47,600, ठीक है। और इसके सिवा आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलता है, राशन एंड क्लोथिंग मिलेगा, और गवर्नमेंट अकोमोडेशन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, सेल्फ एंड फैमिली के लिए भी मिलेगा, ठीक है। और 45 days अनलिव्ड, मतलब पैसे भी मिलेगा और छुट्टी भी मिलेगा 45 days, और 8 days आपको कैजुअल लीव ऐसे ही मिलेगा, मेडिकल वगैरह ऐसे ही मिलाकर 53 days आपको ईयरली ऐसे ही आपको छुट्टी मिलेगा। और पेंशन स्कीम भी है इसके अंदर, कैंटीन एंड वेरियस लोन फैसिलिटीज़ भी है, ECH मेडिकल फैसिलिटीज़, पोस्ट रिटायरमेंट मतलब रिटायरमेंट के बाद भी आपको मेडिकल की फैसिलिटीज़ मिलेगी। तो आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आपको पोर्टल का जो वेबसाइट यहाँ पर दिया हुआ है www.joinindiancoastguard.gov.in, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और पूरी डिटेल्स के साथ कौन से जोन में क्या क्या है आप देख सकते हैं, और पूरी डिटेल्स के साथ यहाँ पर दिया हुआ है कि कैसे आप कर सकते हैं। और फिजिकल टेस्ट भी होगा, यहाँ पर 1.6 किलोमीटर रन आपको करना पड़ेगा 7 मिनट में, और 200 स्क्वाट आप्स मारने पड़ेंगे, और 10 पुशअप, ठीक है। और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दिया है, ये सब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो काम आपको करना है, गूगल में लिखिए joinindiancoastguard.gov.in, और इस तरह से एक पेज खुल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 अक्टूबर में चालू हुआ, 29 अक्टूबर में ख़त्म हो जाएगा। और मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जब भी आप खोलेंगे आप देखेंगे बार बार सर्वर डाउन दिखाएंगे, तो आप किसी भी तरीके से बार बार ट्राई करते रहिए, क्योंकि एप्लीकेशन बहुत ही कम हो गया है सर्वर डाउन की वजह से, क्योंकि बहुत लोग उम्मीद छोड़ दिया है और एप्लीकेशन करना भी छोड़ दिया है। तो यहाँ पर आपका बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को काम में लगा सकते हैं। अप्लाई करने से पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, आई एग्री करके नेक्स्ट पेज में चले जाएंगे, एक ही पेज होगा, वहाँ पर आपका पर्सनल डिटेल्स मांगेंगे और डेट ऑफ बर्थ वगैरह ऐसे ही कुछ मांगेंगे, तो उसको सबमिट करके आपको सिर्फ 2 चीज़ करना है उसके साथ, एक आपका एक सिग्नेचर सबमिट करना है, दूसरा है फ़ोटो, वो पहले से स्कैन करके रखिएगा और 15 से 30 KB के अंदर उसको क्रॉप करके रखिएगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप सबमिट कर देते तो तुरंत एक प्रिंट आउट आ जाएगा, एक ही पेज आपको सबमिट करना है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। फिर भी आपको कुछ दिक्कत प्रॉब्लम आता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूंगा कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ईजी एंड सिंपल है। तो शायद आपको इस वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर आप ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड ज्वाइन करना चाहते हैं। तो 2019 का बैच है जनवरी का, तो शायद आपको इस वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल में पहली बार रहते हो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिए, और इस तरह का वीडियो आपको मिलता ही रहेगा। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।